हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का पेपर। ये पेपर जो हुआ था 31/8/2018 को हुआ था। ये इस असिस्टेंट लोको पायलट सीरीज का आखिरी पेपर है दोस्तों। मैंने 9 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जितने भी पेपर हुए थे, लगभग लगभग हर दिन के पेपर अपलोड कर दिए। और वीडियो अगर देखना चाह रहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट से, करंट जाप नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं साइंस के क्वेश्चन से। दोस्तों इस वीडियो में मैं साइंस और करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी को डिस्कस करूंगा, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा। जब कई प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाते हैं तो उनके संयुक्त प्रतिरोध उनमें न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। स्वेज नहर द्वारा इनमें से कौन से दो जल निकाय जुड़े हैं, भूमध्य सागर और लाल सागर? ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन। दोस्तों मैं जॉब से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करता हूं अपने चैनल पे। जब एथेनॉल की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह चपचपाई प्रक्रिया धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका अवनित करता है। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की लाल भूरे रंग की एक परत इसकी सतह पर जम जाती है, तो इस लाल भूरे रंग की परत को कहते हैं जंग। हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो क्लोरीन है। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक अद्वितीय तालिका के तत्वों में से निम्नलिखित क्या समानता होती है? सेलों की संख्या। नवंबर 2017 में भारत की पहली जनजाति उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो छत्तीसगढ़ में हुआ। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 में किस पुरुष क्रिकेट को यूनिसेफ और क्रिकेट फॉर गुड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो ब्रायन लारा को। दो हजार सत्रह में किस मलयालम अभिनेत्री को मिन्नुगी नुंग के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सुरभि लक्ष्मी को। मादाओं में अंडाणु उत्पादन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंडजन कहा जाता है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय टायर कंपनी ने बैडमिंटन क्वीन पीवी सिंधु को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो ब्रिजस्टोन। क्यूबा में आयोजित 52वीं कंपा लंबा मेमोरियल चेस प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो कृष्णन शशि किरण। पुदुचेरी में सेल्युआमुडी गांव में एक स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ पुदुचेरी पहल के अंश के रूप में किसने श्रमदान आंदोलन की शुरुआत की? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कहा जाता है कंकाल रासायनिक समीकरण। रोशन लाल जिसने 2017 में गुरु दुराचार पुरस्कार प्राप्त किया किस खेल से जुड़े हैं? तो वो वॉलीबॉल से। दोस्तों हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी के परीक्षाओं में मिल जाए। निम्नलिखित में से नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं? तो राजीव कुमार। दोस्तों कमेंट करके हमें बताइए अध्यक्ष कौन है और सीईओ का भी नाम बता दीजिएगा नीति आयोग के। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बहता हुआ जल एक न्यूमेरिकल है। इस टाइप के न्यूमेरिकल आ रहे हैं ग्रुप डी के भी एग्जाम में, इस टाइप के भी न्यूमेरिकल भी देख लीजिए, लेंस से भी तो जरूरी देख लीजिएगा आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है, 8% प्रोटीन होता है, खनिज हार्मोन एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत विलियम हॉवर्ड टाफ्ट। यदि दिए गए वेग किसी ध्वनि तरंग पर आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। एक कंडरा किसे कहा जाता है? केवल काइजेन फाइबर को। मानव
विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि निम्न में से अफ्रीका में विकसित हुए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर खराब लगा तो जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा ताकि मैं अगली वीडियो में